गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉस नंबर 1 कैविलियर इवेंट क्वेस्ट का। एंड देखा जाए तो या इस वाले मतलब ये वाले जो क्लास पसंद नोट्स है वो भी लिटरली काफ़ी सिंपल है। एंड सबसे पहला चैप्टर हमेशा काफ़ी ईजी होता है, लो लेवल की हेल्थ होती है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे कम नंबर के पास होते हैं जो कि मिनिमम 3 है। तो उसके हिसाब से देखने जाए तो फाइट्स काफ़ी कम है, बट ये वाली सबसे पहली जो आप फाइट देख रहे हो वो हैवेक है। अभी यहाँ पर क्लास स्पेसिफिक नोट्स जो है वो मिस्टिक चैंपियंस के रिलेटेड है। अब आप पूरे के पूरे मिस्टिक चैंपियन में ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास जो है आर्मर अब बफ है, ठीक है, जो हैवेक को काउंटर कर सके। बट हैवेक को काउंटर करने के लिए दूसरी चीज़ें भी है जिनको आप यूज़ करके हैवेक को काउंटर कर सकते हो। तो बेसिकली हैवेक का जो प्लाज्मा है उसको आप कैसे रोक सकते हो, तो उसको जो है जस्ट पावर ड्रेन करो। एंड जैसे आप पावर ड्रेन कर लोगे तो जो है उसका प्लाज्मा बिल्डअप होना स्टॉप हो जाएगा। अब जितनी बार पावर ड्रेन करोगे उसी बार जो है उसका पावर प्लाज्मा बनना जो है बंद हो जाएगा। प्लाज्मा बनना बंद हो जाएगा, हम डेटोनेशन नहीं लेंगे, कोई भी टाइप का डैमेज नहीं लेंगे। तो बेसिकली ऐसे चैंपियंस लेके जाओ जो पावर ड्रेन काफ़ी क्या कहते हैं इफेक्टिवली एंड जल्दी से कर सके। तो यहाँ पर देख सकते हो डॉक्टर वूडू। एंड एक और बात क्लियर कर दूँ कि ये मेरा डॉक्टर वूडू है जो 5-स्टार रैंक 4 लेवल 55 ही है। तो डेफिनेटली एक अगर डॉक्टर वूडू जो है ये फाइट कर सकता है तो डेफिनेटली एक 565 वाला भी कर ही सकता है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल से कोई ऐसा लगा नहीं कि जो डायरेक्टली इतना अच्छा खासा पावर कंट्रोल कर सकता हो। जस्ट इस वाले केस में मैजिक भी एक है जो अच्छा तरह से जो है पावर कंट्रोल कर सकती है, पर मैजिक का सिर्फ और सिर्फ पावर कंट्रोल जो है SP2 के तरफ से ही आता है। तो बार बार आपको जो है SP2 पे पहुंचना पड़ेगा एंड फिर जाके आप जो है पावर ड्रेन कर पाओगे, तो वो दिक्कत दे सकता है कंपेयर टू डॉक्टर वुडू। उसके जस्ट एक SP2 लॉन्च करो, उसके बाद ऑलमोस्ट आप पूरे के पूरे फाइट जो है पावर ड्रेन लगा के रख सकते हो आपके बेसिक हिट्स के अंदर। डॉक्टर डूम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि भले ही उसके पास पावर ड्रेन हो बट उसके हिट्स क्या कहते हैं एनर्जी बेस्ड हिट्स है, मतलब वो शॉक अप्लाई करता है तो वैसे भी डेटोनेशन से काफ़ी सारा डैमेज ले सकते हो। बट ये वाली एक ऐसी फाइट है जिस पर ऐसा मतलब आपको शायद 1 या 2 रिवाइव्स मिनिमम स्पेंड करना पड़ सकता है अगर आपको जो है फेमिलियर नहीं हो हैवक को खेलने से। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसके SP अटैक्स SP1 SP2 इवेट करना नहीं आता तो और भी दिक्कत दे सकता है क्योंकि वो अनब्लॉकेबल भी हो जाते हैं अगर वो क्या कहते हैं समथिंग 5 या 7 प्रोवेस के ऊपर चला जाए तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। एंड या बेसिकली ये मैंने बताया नहीं, इस वाले क्लास स्पेसिफिक नोट्स में करना क्या है कि जस्ट आपको चैंपियंस के ऊपर जो बॉक्स है वो नलीफाई करना है। मिस्टिक चैंपियंस को प्रोवेस मिलेगा एंड प्रोवेस से जो अटैक इंक्रीज मिलता है उससे आपको डैमेज करना है, लिटरली इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है। सो बेसिकली हर एक मिस्टिक चैंपियन जो नलीफाई कर सकता है तो वो डेफिनेटली इस क्वेस्ट के लिए काम करेगा। तो टोटल ये आपके रोस्टर पे डिपेंड करता है, मतलब इस वाले क्वेस्ट के लिए स्पेसिफिकली कोई खास ऐसा रोस्टर चाहिए नहीं कि भाई डॉक्टर डूम ना हो तो ये फाइट नहीं हो पाएगी या तो फिर पूरा का पूरा ये क्वेस्ट जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये कैवेलियर जो है काफ़ी सारा डिमांड करता है कि आपको वेरियस टाइप के चैंपियंस हो, जैसे कि एक ब्लेड इम्यून वाला मान लो, एक पॉइजन इम्यून वाला, एक आर्मर ब्रेक इम्यून वाला जैसे कि डॉक्टर डूम है, सो वैसे वाले। बट मेरे केस में जैसे कि मैंने सुसाइड मास्टर्स लगा के रखी है तो मेरे ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है। देख सकते हो मैंने अगर स्टार्टिंग वाली फाइट अपने देखी तो मैं सुसाइड मास्टर लगा के ही गया था, लगाई हुई थी एंड फिर भी जो है मैं डॉक्टर वूडू ले गया। आई एम भी डॉक्टर वूडू एंड मेनली ना मिस्टिक चैंपियंस में है क्या कि आपको काफ़ी सारे स्पेशल अटैक जो है लॉन्च करने पड़ते हैं एंड स्पेशल अटैक ज़्यादा लॉन्च करोगे तो आप रिकॉइल डैमेज ज़्यादा लोगे एंड इवेंचुअली जो है आपकी हेल्थ काफ़ी सारी कम हो जाएगी। बट लकीली इस पूरे के पूरे इवेंट क्वेस्ट में जो है सिर्फ 6 फाइट्स है, अगर 6 फाइट्स के लिए एक एक चैंपियन भी लेके जाते हो बेसिकली 5 ही चैंपियन ले जा पाओगे, बट फिर भी एटलीस्ट 1 या 2 फाइट जो है पर चैंपियन जो है आपको आएगी तो उसमें इतना कुछ डैमेज पड़ेगा नहीं। सो उस हिसाब से ठीक ठाक है, बट मैं फिर भी जो है ब्लैक विडो क्लेयर वॉइंट जो है वो मैं काफ़ी प्रेफरेबल चूज़ करूँगा क्योंकि वो ट्रिपल इम्यूनिटी है, साथ ही साथ उसके पास काफ़ी अच्छा खासा जो है हील है, SP2 का हील है अगर वो ब्लीड वाले कोर्स में हो तो। एंड उसके अलावा बेसिकली अगर दूसरे कोई चैंपियंस मेरे को ले जाने भी पड़े तो भी मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई स्पेसिफिक फाइट के लिए ले जाना हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा लॉन्ग शॉट भी काफ़ी सही से काम करेगा, उसका बर्स्ट डैमेज काफ़ी सही है एंड देन फिर मैन थिंग भी काम कर सकता है, बट मैन थिंग जो है मैंने ट्राई नहीं किया, मेरा 6-स्टार रैंक 1 था तो वो मैंने ट्राई नहीं किया। एंड देन फिर देख सकते हो मैं सिंग्योर सुप्रीम तो लेके ही आया हूँ जो कि वो भी काफ़ी एक अच्छा खासा है। एंड फिर देखा जाए और तो
एबनी मॉ शायद काम नहीं करेगा, पता नहीं वो हर बार कभी कोई इसका एबनी मॉ का था ना तो कई अलग ही सीन चल रहा है उसका, जब एक उसको क्रिटिकल हिट दे दो तो ही वो काम करेगा अपोनेंट के सामने, नहीं तो नहीं करता है। एंड देन फिर मोजो भी काम कर सकता है क्योंकि मोजो एक्चुअली वह बॉस नलीफाई नहीं करता बट उसका ड्यूरेशन ख़त्म करवा के जो है काफ़ी सारे डी जनरेशन अप्लाई करता है। एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारे मिस्टिक चैम्पियंस है। लेट मी सी, मैं यहाँ पर जो है पीछे आठ में ओपन करके रखता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मिस्टिक चैम्पियंस ना मैं खुद भूल जाता हूँ कि कौन कौन से यूज़फुल हो सकते हैं कौन से नहीं। सो मैजिक भी एक काफ़ी यूज़फुल है, जैसे कि मैंने बताया मॉर्निंग स्टार एक यूज़फुल है, टाइग्रा यूज़फुल है बट टाइग्रा को आपको खेलना आना चाहिए। एंड टाइग्रा से याद आया, अभी जो रिसेंटली जस्ट एंड जस्ट आई गेस अभी लगभग 6 से 7 घंटे हुए, पता नहीं आई गेस 12 घंटे भी हो सकते हैं, तो अभी जो है रोमांस क्रिस्टल का ऑफर आया है। आई मीन क्रिस्टल नहीं है, रोमांस क्रिस्टल तो एक्चुअली आपको पैसे देके खरीदने हैं बट स्टोर के अंदर ना एक रोमांस करके एक सेपरेट स्टोर है जहाँ पर यूनिट्स स्पेंड करके आपको चीज़ें लेनी, जैसे कि अवेकनिंग जेम हो गया, सिग्नेचर स्टोन्स हो गया एंड रैंकअप मटेरियल्स हो गया, टीयर 5 के बेसिक कैटलिस्ट, टीयर 2 के अल्फा, टीयर 1 के अल्फा, सो ऐसी सारी चीज़ें। तो अगर आपको ऐसा जानना हो कि मैं क्या करता हूँ, आई मीन मैं क्या खरीदता हूँ एंड मेरे को ऐसा क्या लगता है कि खरीदना चाहिए या नहीं, तो अगर आपको चाहिए कि मेरे तरफ से ऐसा वीडियो हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना। मेरा अभी तो एक प्लान तो नहीं है वो वीडियो बनाने का क्योंकि मेरे भी अभी जो है क्या कहते हैं कंफर्म नहीं है कि मैं वो ऑफ़र खरीदूंगा या नहीं, बट वही चीज़ जो है मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर आपको चाहिए तो जस्ट बता देना तो मैं जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड देखते ही देखते आई गेस मैं नेक्स्ट मंडे या फिर नेक्स्ट वेनेसडे तक जो है ट्राई कर रहा हूँ कि सारे के सारे बॉसेस के वीडियो आ जाए, मिस्टी नाइट एंड कैप्टन सैम विल्सन के बारे में, तो उनकी फाइट्स भी जो है कवर हो जाएगी। आज आई गेस 2 वीडियो रिलीज़ हो जाएगी, कंफर्म नहीं है बट डेफिनेटली मेरा प्लान तो है कि आज 2 के 2 रिलीज़ कर दूँ, जो कि ये चैप्टर 1 एंड क्वेस्ट 1 एंड नेक्स्ट वाला जो क्वेस्ट 2 है उन दोनों को जो है एक ही साथ रिलीज़ कर दूँ। एंड फिर जो है नेक्स्ट वाला चैप्टर चूज़ करेंगे एंड देन फिर लास्ट वाला एक चैप्टर ही चूज़ करेंगे, तो काफ़ी अच्छी तरीके से एटलीस्ट 3 दिन के अंदर तो आराम से हो जाना चाहिए। उसके अलावा देख सकते हो मैं काफ़ी अच्छा खासा जो है डैमेज करते जा रहा हूँ। सीवर सुप्रीम से ना काफ़ी एक और अच्छी चीज़ है कि उसका SP3 जस्ट आपको जो है सीवर सुप्रीम के साथ SP3 तक पहुँचना है, उसके बाद आप फाइट जो है टोटली आपके कंट्रोल में हो जाएगी, आपको जितने भी वर्क चाहिए उतने आप डायरेक्टली नलीफाई कर सकते हो वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ कौन सा ऐसे चैम्पियंस है, यह सॉर्सरर सुप्रीम जो भी अच्छी खासी चैम्पियन है, मैंने उसको एक वाले यहाँ पर एक दूसरे सेपरेट वाला पाता है एक लेफ्ट साइड वाले में यहाँ पर हीट मंकी है। अभी हीट मंकी काफ़ी सारा जो है इवेट करता है अगर उसको नॉकडाउन करो तो, बट सॉर्सरर सुप्रीम के पास ना स्लो डीबफ है, इसलिए आई गेस पावर गेन वाले फेज में अगर आप जो स्पेशल अटैक लॉन्च करते हो तो अपोनेंट के ऊपर स्लो डीबफ अप्लाई होता है, तो अगर वो आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है आप हीट मंकी को शट डाउन कर सकते हो। एंड ये देखते ही देखते जो है सारी की सारी फाइट्स ख़त्म हो चुकी है, हम डायरेक्टली बॉस फाइट पे चलते हैं। बॉस फाइट देखा जाए तो लिटरली काफ़ी इजी है, तो मैं आपको 2 अलग अलग जो है बॉस फाइट्स दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहली वाली डॉक्टर डूम के साथ फाइट है। अभी यहाँ पर हुड के ऊपर जो नोट्स है वो थोड़े बहुत जो सिंपल है एंड थोड़े बहुत दिक्कत देने वाले भी है, तो क्रिटिकल सेटअप है कि मतलब अगर आप फर्स्ट वाला अटैक जो है मीडियम अटैक से एंड किया, सेकंड वाला अटैक भी मीडियम अटैक से एंड करोगे तो आपके पास चांस है कि आप गारंटीड क्रिटिकल हिट्स अप्लाई करो सिर्फ एक अटैक के ऊपर, ठीक है। एग्रेशन प्रिसीजन है कि मतलब वो काफ़ी उसको टाइम देते रहोगे आप तो उसके क्रिटिकल रेटिंग बढ़ती जाएगी एंड बेसिकली उसका हर एक हिट जो है क्रिटिकल होता जाएगा। पावर फोकस 2 है, मतलब कि वो 2 bars ऑफ पावर तक काफ़ी जल्दी से पहुँचेगा और 2 bars ऑफ पावर के बाद जो है वो उसके बाद वो उसकी पावर गेन लिटरली काफ़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि उसके स्पेशल अटैक्स में ना एक नोड है जहाँ पर वो अगर वो शॉक उसके ऊपर शॉक अप्लाई नहीं है एंड फिर वो स्पेशल अटैक लॉन्च करता है तो वो अनब्लॉकेबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। बट मैं जो है ऐसा कह सकता हूँ कि उसका SP1 लॉन्च करने के बाद मैं इतना क्विकली रिकवर कर सकता हूँ कि मैं तुरंत जाके जो है उसको हिट करता हूँ एंड वो शॉक अप्लाई हो जाता है एंड वो अनब्लॉकेबल नहीं हो जाता, तो एक वो चीज़ है कि आप शॉक वाले चैंपियंस लेके जाओ एंड वो फिर आप अप्लाई करो शॉक डीबफ एंड फिर वो जो है अनब्लॉकेबल नहीं होगा, ये एक ऑप्शन है उसको डिफीट करने का। एंड देख सकते हो डॉक्टर डूम में काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन है क्योंकि उसके पास काफ़ी जल्दी से शॉक अवेलेबल होता है। एंड देन फिर ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन जो है उसके पास भी काफ़ी सारा शॉक है,
शॉक वाले डीबफ्स है एंड दूसरा एक और चैंपियन जो शॉक काफ़ी अच्छी तरीके से अप्लाई करता हो तो जो सिल्वर सेंचुरियन है उसके हिट्स में भी शॉक है एंड देन फिर मोलमैन है, मोलमैन के SP1 में भी शॉक डीबफ अवेलेबल है। तो ऐसे देखा जाए तो काफ़ी सारे, बट जैसे कि हमारा चैंपियन जो है मिस्टिक चैंपियन है एंड मिस्टिक चैंपियन को पता है हमेशा हर एक एटलीस्ट कोई ना कोई डेफिनेटली एक ऑप्शन तो रहता ही है जो कि ह्यूमन टॉर्च है। अगर आपके पास ह्यूमन टॉर्च है 565, आपको सही से खेलना आता है एंड आपको थोड़ा बहुत जो है इंटरसेप्ट करना आता है तो ये फाइट तो आपको एकदम आसानी से निकल जाएगी। ये वाली फाइट देखो काफ़ी जल्दी से जो है ख़त्म हो गई क्योंकि ऑफकोर्स मेरा जो है सिक्स स्टार रैंक 3 डॉक्टर डूम था तो फाइट ज़्यादा देर तक जो है टिकने भी वाली नहीं थी। बट इसी केस में मैं जो है आपको एक दूसरी एक और फाइट बताना चाहता हूँ दूसरे ऑप्शन के साथ जो कि ह्यूमन टॉर्च है। सेम नोट्स है, सेम वो है, सारी की सारी चीज़ें सेम है एंड मिसिंग एक एक्शन एक और है कि मतलब आपके हिट्स जो है मिस होने के चांसेस है, बट ह्यूमन टॉर्च टोटली इन सभी चीज़ों को जो है काउंटर करता है जस्ट एक वाली चीज़ को छोड़ के जो कि शॉक डिबफ है एंड वो अनब्लॉकेबल हो सकता है। तो जस्ट आपको जो है इंटरसेप्ट करना पड़ेगा काफ़ी सारा एंड उसको स्पेशल अटैक बीएड करवाने पड़ेंगे मेनली SP1 ऑफकोर्स क्योंकि SP2 जो है आप 100% इवेड नहीं कर सकते फर्स्ट पार्ट से लेकर सेकेंड पार्ट तक लिटरली कुछ नहीं इवेड कर सकते। हाँ तो वो एक चीज़ है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ SP1 तक रखो देखो यहाँ पर वो SP1 लॉन्च करता है वो अनब्लॉकेबल भी हो जाता है बट ये दिक्कत देने वाली चीज़ कोई नहीं है। जस्ट आपको जो है दूर रहना है इससे एंड आपको फिर डैमेज करते रहना है एंड वैसे भी ह्यूमन टॉर्च है प्री फाइट लगा के जाओ तो स्मोल्डर चार्जेस कन्वर्ट हो जाएंगे आई मीन स्मोल्डर क्या पैसिव नो वॉकलिंग जो है अप्लाई हो जाएंगे एंड देखते ही देखते आपको नहीं बचेगा। एक दो ब्लॉक ही लेते हो तो स्मोल्डर चार्जेस भी बढ़ जाएंगे बट फाइट इतने जल्दी से ख़त्म हो जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा। एंड जैसे आप अगर SP2 पर पहुँच जाते हो तो मेक श्योर करो कि वो अनब्लॉकेबल ना हो एंड फिर SP2 पर पहुँचे तो उससे जो है फाइट जल्दी से ख़त्म हो जाएगी एटलीस्ट आप SP2 ब्लॉक कर पाओगे। इंडिया देख सकते हो ऐसा करके हमने जो है बॉस को डिफीट कर दिया है एंड या इतना सा था ये वीडियो एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।